हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा क्विक रिव्यू। हेयर इज़ माय अनदर वीडियो जो कि है डिजिटल थर्मामीटर। आज मैं आपको डिजिटल थर्मामीटर कैसे ऑपरेट करते हैं पूरा इसमें तरीका बताऊंगी, और जिन जिनको बुखार चढ़ता उतरता रहता है तो वो लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। तो इसमें आप किस तरीके से आप अपना रूटीन चेकअप कर सकते हैं, डेली चेकअप कर सकते हैं। मैनुअल थर्मामीटर में मसला ये आ जाता है कि वो आसानी से जो है टूट जाता है, और कई लोगों को ऐसा होता है कि वो यूज़ करना भी नहीं आता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उनके लिए ये वीडियो, जिनको मैनुअल यूज़ करना नहीं आता तो वो ज़रूर डिजिटल थर्मामीटर को परचेज़ करें और घर में यूज़ करने के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में रखें, ताकि आप इसको, अगर आपको बुखार आता है बच्चों को बड़ों को, तो आप इजी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको एक्यूरेट टेम्परेचर बताएगा। आजकल COVID-19 का मसला है, वायरल बुखार चल रहे हैं, तो ये वो जो हैं अपना फ़ीवर चेक करते रहें ताकि उनको पता चलता रहे कि आपका फ़ीवर कितना है। और इसके अलावा ये उन लोगों के लिए है जिनको मैनुअल यूज़ नहीं करना आता, सही है। और इससे पहले मुझे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको आपकी इसमें बहुत सी मालूमात है आपके लिए। अच्छा चलो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं ये पढ़ना बता दूँ कि इसमें क्या क्या है। हाई एक्यूरेसी है, हाई एक्यूरेसी मतलब कि आपका बिल्कुल सही रिजल्ट होगा। इसके अलावा फास्ट रिस्पॉन्स है, जल्दी रिस्पॉन्स देता है। ऑटो शट ऑफ है, अगर आप शट ऑफ करना भूल गए हैं, कहीं रख दिया आपने, शट ऑफ नहीं किया है, तो आप इसको ये खुद ही जो है शट ऑफ कर देगा। इसके अलावा इसमें अलार्म सिग्नल है, जैसे ही आपका रिजल्ट सही आ जाएगा फीवर का तो आपका ये बीप बीप बजना शुरू हो जाएगा। ब्रेक रेजिस्टेंस है। इसके अलावा इसकी एक्यूरेसी लिखी हुई है, बहुत अच्छी कंपनी का है। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि इसके अंदर प्रेस, पावर स्विच, टर्न और यूनिट, टर्न ऑफ टर्न ऑन का जो है बटन दिया गया है। पोजीशन सेंसर टिप है, वेट फॉर बीपर साउंड, आप उस पर वेट करें, जब आपका जैसे ही बीप आएगा तो आप वो रीडिंग कर लें। रीड टेम्परेचर, अपना रीड कर लें टेम्परेचर जो भी आया। प्रेस, पावर स्विच ऑन, टर्न ऑफ यूनिट, जिससे टर्न ऑन का बटन है वही टर्न ऑफ का भी है। मैं आपको बताती हूँ उसको कैसे यूज़ करना है। ये इस तरीके की पैकेजिंग में आएगा, तो ये जो है इसको बॉक्स ऐसे खोलेंगे, सही है। तो अब मैं इसको ऑन करना बताती हूँ, ये इस तरीके से ऑन हो जाएगा, सही है। ये जैसी फिंगर, जैसे ही ऑन हो जाएगा तो मैं आपको इसको चलाना बताऊंगी, ऑपरेट करना बताऊंगी कि आप इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। ये अपनी फिक्स जगह पे हो गया है, तो अब मैं अपनी ये फिंगर टिप से इसको चेक करना बताऊंगी, सही है। तो ये इस तरीके से बढ़ता रहेगा, और जब तक आपको रखना है तब तक आपकी बीप की आवाज़ नहीं आ जाती। जैसे ही आपकी बीप की आवाज़ आ जाएगी तो आप इसको फौरन रोक देंगे और अपनी रीड टेम्परेचर जो है चेक कर लेंगे कि आपका टेम्परेचर कितना आया है, सही है। बहुत आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी रीडिंग बता देता है, जल्दी बता देता है। और मैनुअल में यही थोड़ा टाइम लग जाता है, मैनुअल में असल में लोगों को समझ नहीं आता कि किस तरीके से वो ऑपरेट होगा। इसमें यूँ इस तरीके से रीडिंग भी लिखी हुई नहीं आती, तो कई लोगों को समझ नहीं आता कि वो किस तरीके से उसको पढ़ें। तो इसमें बहुत ईजी हो जाएगा कि आपको फ़ौरन जो है इसमें नंबर आ जाएगा, देखें, सही है। इस तरीके से ये बीप बीप की आवाज़ आएगी, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है टेम्परेचर कितना है। तो इसी तरीके से आप इसको डेली यूज़ करते रहें तो आपको आपका टेम्परेचर पता चलता रहेगा। और जिनको चढ़ता उतरता बुखार रहता है तो उन लोगों को तो डॉक्टर बोलते ही हैं कि आप अपना टेम्परेचर जो है नोट करते रहें कि कितना है, तो ये वो ज़रूर करें कि वो अपना टेम्परेचर जो है बुक पे लिख लिया करें, नोटबुक पे, ताकि उनको आसानी रहे कि वो कितना उनका टेम्परेचर आ रहा है। और आजकल तो वायरल का मसला चल रहा है, वायरल बुखार बहुत है, और COVID-19 वालों के लिए भी मसला है, क्योंकि उनको आता ही पहले बुखार है, बुखार आता है उसके बाद ही खांसी, नज़ला, जो भी सिम्टम्स हैं COVID-19 के आते हैं। तो मैं आपको प्रेफर और रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि आप ये घर में अपने रखें, ताकि आप रोज़ाना इसको यूज़ करें, और जैसे ही अगर बच्चों को भी आए, बड़ों को भी बुखार आए, आप अपना चेकअप ज़रूर करें। घर में एक थर्मामीटर ला के रख लें आप। डिजिटल थर्मामीटर का फ़ायदा ये है कि अब मैं एक और चीज़ बता दूँ उसको ऑफ़ करने का तरीका। ये मेरा रीड हो गया था 98.3 फ़ारेनहाइट, मेरा जो है आया है, सही है, फीवर का टेम्परेचर मेरा इतना है। अब मैं इसको ऑफ़ करना बताऊँगी, अगर इन केस आप ऑफ़ करना भूल जाते हैं तो ये खुद ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएगा। अगर आप ऑफ़ करना चाहते हैं कि आपके सेल वीक ना हो, इधर देखें इसका सेल डला हुआ होता है, सही है, आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं।
इसमें जो है अगर ये वीक हो जाए तो आप इसकी एक ईयर की, वन ईयर की वारंटी होती है, तो आप इसको चेंज कर लें, सही है। अगर आपको ऑफ़ करना है तो यही बटन ऑन का भी है, ऑफ़ का भी है, तो आप यहाँ से ऑफ़ कर लें, सही है। ये ऑफ़ हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, फिर आप इसको वैसे ही अपने बॉक्स में डाल के ज़रूर रखा करें, ऐसे ही नहीं रखें ताकि ये फिर ख़राब हो जाएगा और फिर इसकी टिप ख़राब हो जाएगी। तो इसको इसी तरीके से केस में रख के, इसको अपने जो है बॉक्स में रख के आप फिर इसको रखें ताकि ये सेफ रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से मैं आपको ऐसे ही मालूमाती वीडियो ज़रूर लाती रहूँगी, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।